गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए, अभी कहीं ना कहीं हायर पॉइंट सीरीज सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ। कुछ पैटर्न जैसा भी बन गया यहाँ, तो अगर यहीं से ऐसे सपोर्ट लेगा तो हमें सेल साइड का व्यू रखना पड़ेगा आज का। देखिए, निफ्टी भी 22,000 से सपोर्ट ले रहा है, तो चलिए अब हम यहाँ पोजिशन बनाएंगे। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं देखिए बार बार 22,000 से होल्ड कर रहा है, और यहाँ भी लोअर पॉइंट्स हैं इनके, यहाँ से होल्ड कर रहा है, मतलब अपने लोअर पॉइंट को, डे लो को कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन जैसे बनाया, तो यहाँ सेलर्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो इनको टारगेट करते हुए, सॉरी, बायर्स यहाँ एक्टिवेट होंगे, तो बायर्स को टारगेट करते हुए मैंने पुट साइड की पोजीशंस बनाई हैं। अब देखिए ट्रेडर्स, ये लॉस भी हो सकता है इस ट्रेड में, क्योंकि ये मतलब चार्ट रिपीट ना माने मार्केट इसे। अगर ऐसे चार्ट रिपीट मानेगा तो फिर हमारे ऐसे हिट होनी पक्की बात है। टारगेट हमारा 60 पॉइंट्स रहेगा, पर आज डीके भी बहुत हो रहा है। ऑलराइट, तो हमारे इस ट्रेड में लॉस हुआ है 469। 329 पे एंट्रीज बनाई थी, 297 पे हमने एग्जिट कर दी। 9:30 पे एंट्री बनी थी, 9:36 पे, 9:36 पे हमने एग्जिट कर दी। देखिए, इस ट्रेड का रीजन तो यही था कि कहना कि मार्केट ने देखिए हायर पॉइंट से सपोर्ट लिया था, इनको देखते हुए बायर्स एक्टिवेट होंगे, कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल भी बना रहा था। ठीक है, एंड इसको देखते हुए मैंने पुट साइड की पोजीशन बनाई थी। कहीं ना कहीं देखिए ये भी क्या है, 22,000 के ऊपर सपोर्ट लेके होल्ड कर रहा था, बट मार्केट आया बस एक कुछ पैटर्न का ब्रेक डाउन जैसा दिया, एंड देन अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हैं मैंने एक और निफ्टी में पोजीशंस बनाई हैं। देखिए निफ्टी में क्या है, मार्केट एक रेंज में है, तो यहाँ क्या है, मैंने क्या दिमाग लगाया कि देखिए अगर ये किसी भी साइड आज एक्सपायरी है फटेगा, तो मैं अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता है, कि एक प्रीमियम गल जाएगा, जीरो हो जाएगा, दूसरा हमारा 1800 में भी हो सकता है। तो उसको देखते हुए मैंने दो एंट्रीज बनाई, एक 21,950 की पुट में, एक और 22,50 की कॉल में। तो अगर मार्केट 22,50 इधर कहीं तक पहुंच जाता है, तो ये बढ़ जाएगा, और एक 21,950 मतलब ये इसके नीचे जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये देखिए पोजीशन में भी तो कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है। चलिए वेट करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, अभी भी मार्केट एक रेंज में ही फंसा है, और ये एक हमारी रेंज है, अगर इसको तोड़ के कहीं नहीं निकला ये, तो ये दोनों प्रीमियम जो हमने ले रखे हैं जीरो हो जाएंगे, जो कि अभी ये डाउट लग रहा है। देखिए मैं सोच रहा था कि ये मोमेंटम फटाफट से आ जाएगा, बट ये लिमिट से बाहर जा रहा है हमारा लॉस। इसमें तो हम लॉस बुक कर चुके थे, बट मेरे को लगा कि अगर ये जल्दी से मोमेंटम नहीं आया तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑल राइट ट्रेडर्स, देखिए अभी कुछ मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, हमें कुछ प्रॉफिट दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। देखिए एक प्रीमियम काफी अच्छा स्पाइक मार रहा है, और एक डीके हो जाएगा, कितना ही डीके होगा, 20 रुपये डीके हो जाएगा, बट मिनिमम हमें 44.25 तक का टारगेट चाहिए होगा इस प्रीमियम में, ताकि हम इसको बैलेंस आउट कर सके। देखिए अगर ये मोमेंटम ऐसे ही कंटिन्यू करके गया ऊपर, तभी हमारा प्रॉफिट होगा, और मेजर प्रॉफिट 2250 के लेवल के ऊपर होगा, क्योंकि तभी ये प्रीमियम एट द मनी बनेगा। अभी तो थोड़ा ये ओटीएम है, वेट करते हैं ट्रेडर्स। देखिए ये प्रीमियम अभी ये कम ही हो रहा है, जहां तक मेरे को लग रहा है, थोड़ा एग्जिट कर देना चाहिए हमें शायद। चलिए हमने पोजीशन एग्जिट कर दिया। देखिए ये जो ट्रेड था, ये मैं खुद कंफ्यूजन में था इस ट्रेड में, सच बताऊं तो ज्यादातर मेरे को कॉल साइड का थोड़ी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं देखिए कल भी डे हाई ब्रेक किया मार्केट में, सेलिंग में गया, आज भी डे हाई ब्रेक करके कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा था, तो सेलिंग में नहीं जाके बाइंग में जा सकता था। वेरस निफ्टी भी क्या है कि गैप अप ओन हुआ है, थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रहा है, सेलिंग दिखा रहा है, यहाँ कुछ एम का ब्रेकडाउन भी दे दिए, तो मे बी यहाँ सेलर्स के ज्यादा एक्टिवेट हो रहे थे एसएल। बट फिर मुझे डाउट ये भी था कि मे बी बैंक निफ्टी क्या है, देखिए यहीं से लोअर पॉइंट से सपोर्ट भी लिया था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में रह गया था। मोर ऑफ मैं बाई साइड में था, बट मैंने कहा लेट्स मेक अ हेज देन। तो उसको देखते हुए मैंने एक हेज बनाई, जो मैंने 21 रुपए पे, 21-22 रुपए पे दोनों खरीद लिए। मैंने कहा रिस्क इसमें 2,000 का था, देखिए अगर ये ऐसे ही साइडवेज रह जाता इस रेंज में, तो ये 1100 1100 कुछ प्रीमियम थे, 1000 1100 के, ये दोनों जीरो हो जाते, और
और हमें दोनों पोजीशंस में लॉस हो जाता, बट एक पोजीशन हमारे देखिए डीके कम हुई और दूसरे में मोमेंटम आ गया, इसलिए हमारे पैसे बन गए, वरना तो ये दोनों डीके हो जाते आज। चलिए वेट करते हैं, और कुछ ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमने एक पोजीशंस बनाई है, पोजीशन बनाई है पुट की, इधर कहीं बनाई है, ठीक है। रीजन ये है, देखिए कुछ डब्ल्यू जैसा ब्रेकआउट हुआ है, डब्ल्यू जैसा ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट कर रहा है, तो मार्केट इन सब कैसल्स खाने हैं, नीचे आएगा। तो चलिए अब हम पोजीशंस एग्जिट करेंगे। देखिए अच्छा पोजीशन में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है हमारा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, क्या बात है। ऑलराइट, तो हमने एग्जिट कर दी पोजीशंस, आप देख सकते हैं बीच में नेट की वजह से मैं एग्जिट ही नहीं कर पाया पोजीशंस अपनी। 800-900 तक का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, 55 पे हमने लिए थे और हमने पूरे पूरे हमें 18 पॉइंट्स 19 पॉइंट्स 800-900 तक दिखा, लेकिन हम एग्जिट ही नहीं कर पाए नेट के इशू के कारण। हमने एग्जिट किया 66.2 का, 10 पॉइंट के आसपास हमने लेके एग्जिट किया, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमने बुक किया 547 रुपीज़, ओवरऑल पीएनएल हमारा 595 के आसपास बना है अभी। बाकी देखिए ये ट्रेड का लॉजिक थोड़ा इजी बनाई थी मैंने पोजीशंस, और इधर कहीं एग्जिट कर दिया हमने 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ इंडेक्स में। देखिए ये ट्रेड का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं मार्केट देखिए काफी बार सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था, एंड देन कुछ पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया था, कुछ लेवल्स के आसपास भी आ रखा था 0.6 के आसपास। तो जो भी यहाँ सेलर्स थे, वीक हैंड थे एटलीस्ट, वो तो भाग लिए मार्केट में से। अब क्या है, मार्केट सीधा सीधा देखिए ऐसे सपोर्ट लेके 22,000 का ऊपर नहीं जा सकता है, इनको निकालने के लिए एक बार मार्केट को एक डाउन साइड का मोमेंटम करना चाहिए, जो मार्केट ने कर दिया। अब मैं यहाँ एंट्रीज नहीं ले पाया, वो नेट के इशू के कारण जो भी यहाँ हुई, जैसे एग्जिट नहीं कर पाया मैं। तो यस, ये ट्रेड का लॉजिक था। मॉर्निंग ट्रेड आपको पता ही होगा, हमने ये पुट साइड का लिया था, फिर बाद में हमने निफ्टी 50 में दोनों साइड के कॉल और पुट दोनों लिए थे, एंड देन यहाँ कहीं हमने एग्जिट कर दिया था इनको कॉल पुट दोनों लेके, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था किस साइड का ज़्यादा मोमेंटम आने वाला है। ऑल्दो मेरे को कॉल साइड का ज़्यादा था, बट यस। फिर बाद में अब हमने ये किए, पुट साइड की फिर से पोजीशंस बनाई मार्केट में। ओके ट्रेडर्स, तो मैं आपको कल के ट्रेड का लॉजिक भी समझा देता हूँ। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो बस एक आप पीएनएल की वीडियो देख लीजिए एक बार उसकी। ओके, तो ये कल का ट्रेड था मेरा सी साइड का। देखिए कल मैंने सी साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश किए थे। तो और क्या है, कई दिन से मार्केट क्या कर रहा है, पीएसवाई का ब्रेकआउट देता है गिर जाता है। यहाँ भी देखिए पीएसवाई को ब्रेकआउट दिया, गिर गया, फिर बाद में थोड़ा ऊपर गया, बट पहले स्टार्ट फर्स्ट हाफ में तो गिर ही जाता है मार्केट। यहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ नहीं है, बट देखिए कहीं ना कहीं डे हाई और ब्रेकआउट करके, पीएसवाई का ब्रेकआउट करके मार्केट गिर ही रहा था 2-3 दिन से। तो इसको देखते हुए मैंने आज कल मैंने पुट साइड का कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कि आज चार्ट रिपीट नहीं होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका छोटे से इसका स्विंग का ब्रेकआउट करके मार्केट एक फिर से सेलिंग में चला गया, फिर मार्केट बाद में ऊपर गया तो पता नहीं, बट जो हमें मूवमेंट यहाँ चाहिए था वो हमें यहाँ मूवमेंट मिला है। देखिए ये वाला जो जो सेलर्स निकलते हैं उनकी पोजीशन एग्जिट होती है उसका। बाकी आई होप आपको आज के ट्रेड के लॉजिक समझ आए होंगे। एक ट्रेड हमने ये वाला किया था, आपको पता ही होगा कि ये, एंड यहाँ जो कॉल पुट हमने दोनों लिए थे। तो आई होप आपको इन सब ट्रेड के लॉजिक समझ आए होंगे, इसका भी समझ आ गया होगा ये जो कल लिया था हमने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। थैंक यू।